रोजगार सहायक पर हुए हमले के विरोध में रोजगार सहायक संगठन ने विभिन्न मांगों को लेकर एसपी को दिया ज्ञापन। खबर बैराड से है। शिवपुरी जिले के गोवर्धन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गुरिच्छा में बीते 24 तारीख को रोजगार सहायक पर सरपंच और उसके पति एवं अन्य लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था, जहां अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी ना होने के चलते रोजगार सहायक संगठन ने एसपी को आरोपियों की गिरफ्तारी एवं मामले में शासकीय कार्य में बाधा डालने की धारा बढ़ाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राजेश रावत। जो आप एसपी साहब को ज्ञापन देने आए, क्या बात पे ज्ञापन देने आए? पंचायत सहायक सचिव संगठन से जिलाध्यक्ष में आज हमारे 24 तारीख को रोजगार सहायक महेंद्र तोमर गुरिच्छा जनपद पंचायत पोरी में उस पर सरपंच और एवं सरपंच पति और 8-9 लोगों ने प्राणघातक हमला किया था। उसी की गिरफ्तारी को लेकर जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया। इसकी शिकायत आपने पहले थाने पे की है? थाने पे हो गई है, कार्रवाई भी हो गई, उसमें धाराएं भी लग गई हैं और क्या नाम है गिरफ्तारी भी हो रही है। तो अभी नहीं, 3-4 लोगों की हुई, लेकिन मेन जो आरोपी हैं वो अभी फरार हैं। अच्छा। तो उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए साहब से निवेदन किया, उन्होंने बोला 1-2 दिन में गिरफ्तारी हो जाएगी, यदि नहीं होती तो फिर आंदोलन बड़ा किया जाए। अच्छा। आज 31 दिसंबर तक पूरे कर देंगे, आज भी गिरफ्तारी की बोलेंगे, आज हो जाएंगे कुछ लोग गिरफ्तार। और आप क्या चाहते हैं? और उसमें धारा 332 भी बढ़ जाए, जो लोक सेवा के साथ शासकीय कर्मचारी के साथ जो मारपीट की धारा है उनको और बढ़ाने की बोला, तो साहब ने आश्वासन दिया कि वो बढ़ जाएंगे।